Hello, dear ninthies. I am Mrs. Ekta Gaur with my next one video of biology for the chapter tissues. In this video, I am going to explain the last topic of plant tissue, that is epidermis in plants. I hope कि जितने मैंने आपको पहले topics explain किए हैं, वो आपको बहुत clear हो गए होंगे. ठीक है? यदि आपने मेरे previous videos नहीं देखे हैं, तो I am advising you that first you should watch all the videos. And then easily you will able to learn about the plant tissues and about the animal tissues. Now let's begin about the epidermis in plants. So bachcho, what is epidermis? Aapne bahut baar bio mein word padha hoga epi aur derm. Derm means hota hai skin aur epi means hota hai outermost. तो यानी कि वो लेयर जो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर को बनाती है वो एपिडर्मिस कहलाएगी. हाउ कैन वी डिफाइन इट इन द लैंग्वेज? एस इट इज एन आउटर मोस्ट प्रोटोडर्म डेराइव्ड लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द स्टेम रूट लीफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. यानी ये वो आउटर कवरिंग है जो प्लांट के हर पार्ट पर प्रेजेंट होती है. उस लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, जो प्लांट की बाहर की त्वचा को बनाती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस. चलिए इसके बारे में और जानते हैं. एज यू कैन सी हियर दिस इज द लीफ एंड दैट लीफ इज शोइंग डिफरेंट लाइंस. देखो यहाँ बहुत माइन्यूट लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, है ना? तो और इसके ऊपर एक पूरी हार्ड कवरिंग है जो इस माइन्यूट स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करके रखती है. वही क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है. एक्चुअल में ये एपिडर्मिस होती कैसी है? देखो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट लेयर है, काफी थिक दिखाई दे रही है. इसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम है जो हमारे कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ टिश्यूज हैं. क्लोरोप्लास्ट है, पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, वो सब इसके नीचे प्रोटेक्टेड रहती है. तो इसलिए एक आउटर कवरिंग जो पूरे प्लांट के इनर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करके रखती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. इसके बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं. देखो एक्चुअल में द एपिडर्मिस एंड इट्स वैक्सी क्यूटिकल प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी वाटर लॉस एंड इन्फेक्शन. अब हमारी जो स्किन है, जो एनिमल्स की स्किन है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है. कोई भी जर्म्स हैं वो हमारी स्किन के थ्रू अंदर नहीं जा सकते. ऐसे ही प्लांट्स में भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन इजीली प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी एक आउटर कवरिंग है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं. इसके अलावा कभी हमें चोट लग जाती है, कभी ब्लेड लग जाता है या हमें चाकू लग जाता है, थोड़ा बहुत हमारी इंजरी होती है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो अपने आप हील अप हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारी बोन्स के ऊपर एक मस्कुलर शीथ है और उसके ऊपर भी एक और लेयर होती है जो हमारी एपिडर्म को बनाती है. सेम लाइक एपिडर्मिस भी प्लांट को किसी भी मैकेनिकल इंजरी या किसी भी चोट से बचाती है. इसके अलावा यदि एपिडर्मिस है तो प्लांट के अंदर जो भी वाटर है वो आसानी से एवोपोरेट नहीं होगा जब तक प्लांट को उसकी जरूरत है. तो ये तीन मेन फंक्शन कौन करती है? एपिडर्मिस करती है. कौन कौन से मेन फंक्शन है? फर्स्ट इज द मैकेनिकल इंजरी, सेकेंड इज द वाटर लॉस एंड थर्ड इज द इन्फेक्शन. ठीक है? तो एपिडर्मिस वो आउटर लेयर है जो एक प्लांट को या एक प्लांट के किसी भी पार्ट को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस. सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज द एपिडर्मिस. तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है कि जो भी प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. इट कवर्स द एंटायर प्लांट. प्लांट का कोई भी पार्ट हो दैट विल गेट कवर्ड बाय द एपिडर्मिस. इट इज अ थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल्स बट इन प्लेसेस विद लेस वाटर विद द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट्स कैन बिकम थिक इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रीक्वेंट वाटर लॉस. एपिडर्मिस जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत थिन होती है और सिंगल सेल की बनी हुई होती है. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे वेदर में ग्रो करते हैं जैसे कि डेजर्ट प्लांट होते हैं, वहां पर प्लांट में से वाटर लॉस को बचाने के लिए ये एपिडर्मिस थिक भी हो सकती है. थिक भी हो ही नहीं सकती है, थिक होती भी है.
ठीक है ना। तो नॉर्मल हमारे ग्राउंड एरियाज में जितने भी प्लांट्स हैं उनमें तो ये सिंगल सेल की होगी और थिन होगी, और डेजर्ट प्लांट है या एज पर द रिक्वायरमेंट इन एनी हैबिटेट इट कैन बी थिक, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एपिडर्मिस दोनों ही तरफ होती है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, यानी हमारा एक प्लांट और प्लांट का हर पार्ट दो तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट होती है, अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। अब ये देखो यदि इस एपिडर्मिस को हम ध्यान से देखें तो एक लेयर और है जो इस एपिडर्मिस को भी प्रोटेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। और इसके अलावा जब हम इसके अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो हमने ये सारा कुछ अभी पढ़ा ही है। यहाँ पर जाइलम है, ये फ्लोएम है, एंड दीज आर द स्पंजी मेसोफिल है, पैलिसेड मेसोफिल है जो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से बनती है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है। तो एवरीथिंग इज गेट प्रोटेक्टेड बाय द एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस में जो लोअर लेयर होती है वहां पर स्ट्रोमेटास भी प्रेजेंट होते हैं। सी अबाउट मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। द सेल्स आर फ्लैट एंड दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। अभी आपने डायग्राम में देखा कि वो सभी सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, क्योंकि यदि हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो जैसे हमारी स्किन एक साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है और हमारे हाथ की पैर की हर बॉडी के स्ट्रक्चर को उसने कवर किया हुआ, सेम लाइक एपिडर्मिस भी बिना इंटरसेलुलर स्पेस के होती है। और ये सेल्स कैसी होती है, फ्लैट होती है। द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर थिक एंड द इनर वॉल्स आर थिन। अब जो ऊपर की सतह है प्लांट्स की उनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। इन कंपेरिजन ऑफ बोथ द साइड्स आउटर एपिडर्मिस आर मोर थिक और इनर एपिडर्मिस आर थिन। द एपिडर्मल सेल्स ऑफन हैव लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन रूट्स विच फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखो जो रूट्स हैं वहां पर भी एपिडर्मल सेल्स होंगी, तो यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स क्यूटिकल से कवर्ड रहती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं या वाटर की प्रेजेंस को बताते हैं, जिससे कि रूट्स वहां तक जाके वाटर फैसिलिटी अवेल कर सकती हैं। Now you can see here this is the upper epidermis and the lower epidermis. तो ये दोनों ही epidermis हैं। Lower epidermis में hole like structure है जिसको हम stomata बोलते हैं। ये layers थोड़ी thick होती हैं, तो यहाँ पर आपको thickness दिखा रखी है। Hard cuticle present होती है और जो lower epidermis होती है वो thin होती है, तो इन पर जो cuticle होती है वो भी थोड़ा light weight होती है। Now let's see the function of epidermis. The main function of the epidermis is to protect the plants from fungi, water loss and any injuries by secretes a wax like water resistant substance called as cutin on the surface of the plants which protects the plants. Ab dekho epidermis kya kar rahi hai, epidermis fungi se hame bacha rahi hai, water loss se bacha rahi hai aur any injuries se bacha rahi hai. Ab wo aisa kaam kar kaise pati, kyunki wahan se bhi ek wax like water resistant chemical secrete hota hai, us chemical ka naam hota hai cutin, jo epidermis ko in sab kamon ko karne mein help karti hai. What is the role of epidermis in plants? As epidermis is the protective tissue of plants which forms the outer covering of entire plant surface and protects the underlying tissue. Second, you can write the aerial parts of plants have waxy, water resistant layer on the outer surface of epidermal cells which in turn reduces water loss and provide protection against mechanical injury and invasion of parasitic fungi. चलिए इसके बारे में और जानते हैं। What is stomata? आपको बताया था कि जो lower epidermis होती है उसके ऊपर कुछ pores like structures present होते हैं जिनको हम stomata बोलते हैं। So stomata are pore like structures that are present in the epidermis of leaves. तो mostly बहुत सारे जो plants होते हैं उनकी lower epidermis पर ही stomata present होते हैं। Now here you can see the schematic stomatas. If you will take a upper layer or the lower layer of the leaf, then you can found the different pore-like structures. So ये जो छोटे-छोटे holes दिखाई दे रहे हैं, they are called the stomatas. As these pores are enclosed by two cells that have a similar shape as a kidney, these are called guard cells of stomata. तो आपने देखा कि जो pores थे वो किससे कवर्ड है, ये देखो यहाँ पर ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर से कवर्ड है, तो ये क्या कहलाती है, ये गार्ड सेल्स कहलाती है। सो गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। अब गार्ड सेल्स भी किससे बनी है, वो गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स की ही मॉडिफिकेशन से बनी है, क्योंकि गार्ड सेल्स एपिडर्मिस का ही पार्ट है, बट उनको स्ट्रोमेटा को कवर करना है तो वहां पर वो अपनी फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करके थिक हो जाती है एंड देन टेक द शेप ऑफ किडनी स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पर आप और क्लियरली एक एक स्टोमेटा का डायग्राम देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स एपिडर्मिस का ही पार्ट है। ये जो सेंटर पार्ट है ये स्टोमेटल पोर है, क्योंकि यहीं से ही डिफ्यूजन हो रहा है वाटर का भी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। इसके अलावा इसके चारों तरफ आप देख सकते हो ये थिक वॉल है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। जो गार्ड सेल्स हैं इसमें क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम आपको विद लेबलिंग याद होना चाहिए, इसको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे लेबलिंग के बारे में भी पूछा जाता है, आपसे इनमें से सारे ऑर्गन्स बनाकर केवल इनकी लेबलिंग पूछ ली जाती है या रॉन्ग लेबलिंग दी जाती है और आपसे करेक्ट पूछी जाती है। यदि ये अपर्चर ओपन है तो ये स्टोमेटा ओपन काइंड ऑफ कहलाते हैं, और यदि ये अपर्चर क्लोज है तो ये स्टोमेटा क्लोज काइंड कहलाते हैं। अब स्टोमेटास ओपन कब होंगे? एट द डे टाइम, क्योंकि ये इस समय फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्लोज कब होंगे? एट द नाइट टाइम, क्योंकि यहाँ इस समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा। सो एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। अब हम गार्ड सेल्स को ही रिस्पॉन्सिबल क्यों मान रहे हैं? क्योंकि गार्ड सेल्स आर सेंसिबल, यदि वहां पर जरूरत है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तो गार्ड सेल्स की सेंसेशन से ही वो स्टोमेटास ओपन होंगे। यदि यहाँ पर वाटर लॉस होना है या वाटर गेन करना है, ट्रांसपिरेशन होना है या वाटर एब्जॉर्ब करना है, उस कंडीशन में भी गार्ड सेल्स ही सेंसिटिव होंगी। फर्स्ट गार्ड सेल्स विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, देन इट विल ओपन और इधर क्लोज। तो गार्ड सेल्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो गार्ड कौन स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करेगा? केवल गार्ड सेल्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, रूट हेयर्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया सक्शन प्रेशर के थ्रू। ये वाटर ऊपर तक जा रहा है, प्लांट्स के और भी हाइट तक चला जा सकता है। ये तो छोटा प्लांट है, लेकिन ऊंचे ऊंचे जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी थ्रू द ट्रांसपिरेशन एंड सक्शन प्रेशर वाटर कैन बी रीच टू द हाइएस्ट लेवल। अब यहाँ पर ये लीव्स जो है वाटर को लूज कर रही है, यानी कि यहाँ से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस शो हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? केवल और केवल स्टोमेटा की वजह से हो रहा है। यहाँ पर वाटर सफिशियंट यदि एब्जॉर्ब हो गया है लीफ के थ्रू, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और स्टोमेटा के थ्रू बाहर कैसे निकलेगा? जब वो गार्ड सेल्स उसको ओपन कर दे। सो वॉट इज ट्रांसपिरेशन? द प्लांट सेल्स व्हेन समटाइम्स हैव एक्स्ट्रा वाटर दे लॉस इट इन द फॉर्म ऑफ एवोपोरेशन थ्रू स्टोमेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो आपको एज इट इज ये डेफिनेशन लिखनी है और रट लेनी है और याद करनी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? यू कैन से दैट ट्रांसपिरेशन इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ओके, एज यू कैन सी दैट ट्रांसपिरेशन इज बैलेंसिंग द वाटर लेवल इनटू द प्लांट्स, क्योंकि जितना भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होगी, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, सपोज कि फ्लडेड एरिया है, बहुत ज्यादा पानी प्लांट को मिल गया है, तो उस कंडीशन में भी प्लांट अपने लिए उतना ही वाटर यूटिलाइज करेगा जितना उसको एक टाइम के फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर रेन दिखा रखी है, तो बहुत सारा पानी यदि प्लांट को मिल गया है तो वो एक्स्ट्रा नहीं लेगा, वो केवल उतना ही वाटर यूटिलाइज करेगा जितना एक बारी में फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है दैट गेट एवोपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। Very important part. First is the exchange of gases. As plants absorbs carbon dioxide and release oxygen through transpiration. तो यदि transpiration process नहीं होता तो ये carbon dioxide और oxygen की cycle भी disbalance हो जाती। As the leaves absorb sunlight during the process of photosynthesis. जिस समय leaves photosynthesis के लिए sunlight absorb कर रहे हैं उस समय प्लांट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। आफ्टर दैट सम ऑफ इट इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस व्हाइल द रेस्ट इज रेडिएटेड एज हीट एनर्जी। अब कुछ तो वो हीट फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, लेकिन बाकी हीट एनर्जी के फॉर्म में प्लांट में ही रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वी नो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कॉजेज कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग एरिया, देयरफॉर ट्रांसपिरेशन कीप्स द लीव्स कूल। तो अब यदि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है यहाँ पर, तो जितना भी वाटर हीटअप कर रहा है प्लांट बॉडी को, वो तो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा और नया वाटर उसकी जगह पर आ जाएगा। तो इस प्लांट में जो एक हीट है दैट कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि हर बार प्लांट में जो पानी है वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद ठंडा होके वो वेपोराइज होगा, वेपोराइज होके वो एवोपरेट होगा और उसकी जगह पर नया पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्मॉल पोर्स हैं, तो दे आर कैरिंग द हीट
अवे फ्रॉम द स्लीव। अब जितना भी वाटर गर्म हुआ है वो एवोपरेट हो जाएगा और उसकी जगह पर नया वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से प्लांट में कूलिंग भी बनी रहती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। अब जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि वाटर अपनी जो वाटर प्लांट की हाइट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसी ट्रांसपिरेशन की वजह से भी क्या होगा कि जो भी फूड है या वाटर है वो भी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। कैसे? द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड दे आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। अब यदि कोई ऐसा सक्शन प्रेशर वाला प्रोसेस ही नहीं होता प्लांट्स में, या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होता कि जिसमें वाटर जो है एवोपरेट होके बाहर निकले, तो फूड मटेरियल और वाटर फैसिलिटी कैसे मिल पाती प्लांट को? कैसे भी नहीं मिल पाती। इसलिए जैसे ही ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस शुरू होता है तो जो जाइलम और फ्लोएम है वो फूड और वाटर की भी सप्लाई किसके थ्रू कर सकते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, इट वॉज अबाउट द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। एज प्लांट्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन लीव्स बिकम्स लो। सो द वाटर फ्रॉम द हायर डेंसिटी एरियाज सच एज द रूट्स मूव अप टू लोअर डेंसिटी एरियाज थ्रू अ फोर्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता चला जाता है तो एक जगह डेंसिटी बढ़ती है और दूसरी जगह लो होती चली जाती है। तो जहां पर भी हायर डेंसिटी होगी वहां पर से वाटर एवोपरेट होगा एंड लेटर ऑन थ्रू द ट्रांसपिरेशन पुल रूट्स वहां पर और नया वाटर भेज देंगी। तो इस तरह से जो मूवमेंट ऑफ वाटर है दैट कैन ऑल्सो एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटास। सो इट वॉज अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। चलिए और हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। फर्स्ट इज वॉट आर लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स आपने सुना भी होगा पर मैं आपको बता दूं, लेंटिकल्स पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी स्टेम में प्रेजेंट होते हैं या बार्क वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। लेंटिकल्स आर पोर्स ऑन अ स्टेम और कॉर्क प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इंटरनल टिश्यूज एंड एटमोसफेयर थ्रू द बार्क विच इज अदरवाइज इम्परमेबल ऑफ गैसेस। तो जो स्टेम है वो प्लांट का वो हार्डेस्ट पार्ट होता है जहां पर आसानी से किसी भी तरह का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पर स्पेशल काइंड ऑफ पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज आती है व्हाट इज सुबेरिन। अब देखो जो स्टेम है उसको लेंटिकल्स का ही लेंटिकल्स की ही फैसिलिटी नहीं मिली है बल्कि वहां पर सुबेरिन भी प्रेजेंट होता है। इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। देखो सुबेरिन एक केमिकल है जो प्लांट के लिए फिजिकल बैरियर का काम करता है, यानी किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम स्टेम को होती है तो सुबेरिन वहां से सिक्रीट होता है और उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड क्या है? प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द टिश्यूज। यदि प्लांट से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होने की कोशिश कर रहा है या वो प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो भी सुबेरिन वहां पर सिक्रीट होगा एंड देन इट विल स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इट। थर्ड इज इट सराउंड्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? जितने भी बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, वायरसेस हैं, दोज कैन स्प्रेड द डिसीज, वो सब पैथोजेंस कहलाते हैं। तो यदि किसी भी तरह का पैथोजन है वो भी स्टेम के थ्रू एंटर करना चाह रहा है तो वहां पर सुबेरिन केमिकल उसको भी रोक देता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द वुंड हीलिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो नॉट ओनली दिस कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यदि किसी तरह की कोई भी इंजरी भी हो गई है तो उसको हील अप करने के लिए यानी उसको कवर अप करने के लिए भी सुबेरिन सिक्रीट होता है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सुबेराइजेशन। जहां पर भी सुबेरिन सिक्रीट होता है और इन सभी चीजों से प्लांट को बचाता है वो प्रोसेस सुबेराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। बहुत आसानी से हम इस प्रोसेस को पोटैटो ट्यूबर में देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ। एस सुबेरिन क्यूटिन एंड लिग्निन आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट एपिडर्मिस एंड पेरिडर्म सेल वॉल। अब आपको मैंने बताया है कि सुबेरिन क्यूटिन और लिग्निन ये तीन स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स प्लांट होंगे, हायर प्लांट्स होंगे, उनकी एपिडर्मिस में और सेल वॉल में ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं एंड
दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एंड द हार्डनेस टू द प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट इन द लेंटिकल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स. ठीक है, तीनों ही ये प्रेजेंट होंगे, सुबेरिन भी होगा, क्यूटिन भी होगा, लिग्निन भी होगा, जिससे प्लांट का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हार्ड भी होगा और प्रोटेक्टिव भी होगा. डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स. अब आप कहेंगे कि मैम स्टोमेटा भी आपने पोर्स बताए थे, लेंटिकल्स भी पोर बताए हैं, तो हम इन्हें स्टोमेटा ही क्यों नहीं कह देते हैं? तो यहाँ पर इनका क्या डिफरेंस है? एज स्टोमेटा इज प्रेजेंट एट एपिडर्मिस ऑफ लीफ व्हाइल लेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन बार्क. तो दोनों का ही लोकेशन चेंज हो गया है. स्टोमेटा केवल लीव्स में प्रेजेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, और लेंटिकल्स स्टेम में प्रेजेंट होंगे या बार्क में प्रेजेंट होंगे जो स्टेम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ वाटर या कोई भी इस तरह का फंक्शन जो स्टेम के थ्रू होना है उसमें हेल्प करेंगे. ओके, और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें? स्टोमेटा ट्रांसपायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म व्हाइल एपिडर्मिस ट्रांसपायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है ना, तो स्टोमेटा में तो क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर हो ही रहा है वेपर्स के फॉर्म में, लेकिन एपिडर्मिस क्या कर रही है? एपिडर्मिस उसको लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकालती है. जैसे आपने प्लांट्स के ऊपर ओस भी देखी होगी ना, तो कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, और कुछ सिक्रीशंस भी होते हैं जो केवल स्टेम से ही सिक्रीट होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज स्टोमेटा हैव गार्ड सेल्स व्हाइल लेंटिकल्स डोंट हैव गार्ड सेल्स. लेंटिकल्स अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट पोर्स होते हैं, बट स्टोमेटा पोर्स हैव रिक्वायर्ड द कवरिंग ऑफ द गार्ड सेल्स. ये भी एक इनका अच्छा डिफरेंस हो जाता है. सो इट वॉज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स. Now it is the time for the quiz. Now check yourself how much you have learned and grasped from my content. Your first question is, the waxy substance associated with the wall of the cork cell is option A, lignin, option B, hemicellulose, option C, cutin, option D, suberin. In the cork cell, which waxy substance is present? Check your answer. Yes, it is suberin, because lignin present in sclerenchyma cell, hemicellulose present in the cell wall, cutin is the part of epidermis, and suberin is the part of stem. Okay, so that's why cork cell are the part of stem. So suberin is present in the cork cell. Second is, the name of tissue which provide flexibility and mechanical support to the plant and present just below the epidermis. Option A, collenchyma. Option B, parenchyma. Option C, sclerenchyma. Option D, chlorenchyma. आपको वो बताना है जो प्लांट टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. चेक योर आंसर. Yes, it is collenchyma, because collenchyma is only tissue which is providing flexibility and mechanical support to the plant. Parenchyma is storing the food material. Sclerenchyma is providing the protection to all over the plant. Or chlorenchyma is the part of leaf, as it is just like in parenchyma. So, ye photosynthesis mein bhi help karti hai aur food storage mein bhi help karti hai. Now next question is, one of the following is not a function of the stomata. Option A, directly participates in the process of photosynthesis. Option B, helps with the exchange of gases. Option C, helps to create water pressure, forcing water upward. Option D, all of the above. तो आपको वो function बताना है जो stomata का नहीं है. Okay, let's check your answer. Yes, directly participates in the process of photosynthesis. तो stomata का ये function बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि stomata photosynthesis के लिए exchange of gases कर रहे हैं. It's okay. Stomata water pressure को adjust कर रहे हैं और ऊपर नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, but they are not participating into the photosynthesis directly. So that's why it is
इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वैक्स लाइक वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन एपिडर्मिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए क्यूटिकल, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी सुबेरिन, ऑप्शन डी क्यूटिन। जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। चेक योर आंसर। यस इट इज क्यूटिन। मैंने आपको बताया है कि वाटर रेजिस्टेंस सब्सटेंस कौन सा होता है, क्यूटिन में, जिसकी वजह से एपिडर्मिस इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है प्लांट्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी ऑल। आपको स्टोमेटा का फंक्शन बताना है। ओके चेक योर आंसर। यस ऑल, क्योंकि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन भी कर रहे हैं, वाटर लॉस कर रहे हैं, दैट मींस रेस्पिरेशन मींस दे आर ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ट्रांसपोर्टिंग वाटर ऑल्सो एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। सो विच विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्यूलर लेयर कवरिंग प्लांट ऑर्गन्स इज। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन सी क्यूटिकल, ऑप्शन डी एंडोडर्मिस। जो सभी प्लांट ऑर्गन्स को कवर करके रखती है आपको वो बताना है। ओके लेट्स चेक द आंसर। यस आंसर इज एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस के बारे में मैंने आपको बताया है कि एपिडर्मिस ही वो लेयर है जो प्लांट के सभी पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट के हर पार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए एपिडर्मिस कवर्स ऑल द प्लांट ऑर्गन्स एज अ सेलुलर लेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइनी पोर्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट सर्व बाय द स्टोमेटा फॉर द प्लांट्स। ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद एटमोसफेयर। ऑप्शन बी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन सी हेल्प्स टू क्रिएट प्रेशर फॉर द वाटर टू राइज अपवर्ड बाय इट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन डी हेल्प्स द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स चेक द आंसर। यस हेल्प्स द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी यही क्वेश्चन हमने दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, वाटर को ऊपर या नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। बताना है कि कौन सा प्रोसेस है जो स्टोमेटा नहीं करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो इट वॉज अबाउट द MCQs। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। सो बी विद मी, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाइस डे, हैव अ हैप्पी डे। बाय बाय।